पे मीठा है लेकिन रिफ्रेशिंग है, आएगा तो अच्छा लगेगा। स्टील सिटी जमशेदपुर में आपका स्वागत है। हमारे साथ वरुण गजदर जी हैं जो हमें यहाँ के फूड टूर पे ले जाएंगे। लाल जी लोकपुरी कुल्लर टी, चाय छोटा देंगे बड़ा आपको? हमको फीका चाय चाहिए, फीका बना बिना चीनी का, और हम दो कप पियेंगे। आपके यहाँ चाय बहुत बढ़िया मिलता है तो एक में तो मन भरेगा नहीं, तो दो कप बना दीजिए। ये तो बहुत परमानेंट कस्टमर है, यही तो लेके आए हम लोग को यहाँ पे। कहाँ का कंपनी है, इतना बढ़िया बिस्कुट बनाता है? कलकत्ता का है, अर्बन चॉइस रांची में इसका मैन्युफैक्चरिंग वहाँ होता है। हम रांची में एजेंसी है इसका, वहाँ से लोग पैक करके भेजते हैं। बहुत बढ़िया बिस्कुट है, जो कितना वैरायटी का निकालता है, ऑरेंज तो जीरा अजवाइन मीठा नमकीन। जैसे तो चाय भी पूरा सोख लेता होगा कूलर। अभी कहाँ गिरा दिए? उसमें थोड़ी देंगे चाय। अच्छा, ये खाली फ्लेवर के लिए है? ओ ये कहानी है। वरुण जी, इस चाय को तो मैं बोलता हूँ टी चीनो, जैसे कैपेचिनो होता है ऐसे ये टी चीनो है। कितना बढ़िया ऊपर एकदम फ्रॉथ है, बहुत ही बढ़िया चाय है। क्या सोनी सोनी खुशबू आ रही है और स्वाद भी आ रहा है। धन्यवाद लाल जी, बहुत बढ़िया चाय पिलाया आपने, हैं बेस्ट चाय इन जमशेदपुर। यस सर। अच्छा चलिए, धन्यवाद। थैंक यू। सर आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम अरुण कुमार प्रसाद हुआ। ये रेस्टोरेंट कितना पुराना है आपका? 50 साल से ऊपर हो गया। 50 साल हो गया। और यहाँ पे जब आप बोलते हैं मटन अठे, उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ऐसा है ना कि बिना पानी का बनता है, इसमें मसाला वगैरह जो रहता है तब पूरा मसाला रहेगा और तेल घी पानी, जब तक ये पूरा रेडी हो जाएगा तब तक इसमें पानी नहीं पड़ता है, उसी को हम लोग देवघर में अट्ठे बोलते हैं। यहाँ तो थोड़ा सा रेशियो बहुत ज़्यादा रहता है तो हल्का सा ग्रेवी कर लेना पड़ता बना देना होता, नहीं पूरा माल रेडी होता है बिना पानी के, कि तो पानी एकदम नहीं पड़ता। और मटन इसलिए हमारा फेमस है कि हम लोग खस्सी अपना काटते हैं, हम लोग परचेज अपना खस्सी पूरा परचेज होता है, वो पूरा गोटा खस्सी ही कटता है, एक कटे दो कटे तीन कटे जो भी कटे वो अपना कटता है। फिर हमको बता रहे थे कि रमेश जी जो आपके पिताजी थे वो देवघर से फाके यहाँ पे आए और मैजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट किए कि हमको जगह दीजिए ताकि हम अपना हमारा समोसा का ठेला लगता था खस्सी गोल चक्कर में, शाम को ही ठेला लगता था और समोसा का काफ़ी डिमांड था हमारा, तो एक जस्ता खाए उनको बहुत अच्छा लगा। उसने बोला कि नहीं भाई आप क्या चाहते, बोले कि जगह हमको अगर मिल जाए, तो बोले ठीक है बाकी जगह हम देखते हैं। तो बोले फिर अलॉटमेंट हुआ, फिर जगह दिए रेंट पे, चलते ये आ गया हमारा मटन अट्ठा नल्ली का पीस। ये है हमारा चुस्ता है, चुस्ता मतलब वही ऑफल्स हुआ ना, है ऑर्गन्स। हाँ
That is what I'm talking about. Shandar. Melts in your mouth, no? Yeah. Welcome. बिल्कुल अपने आप क्लीन. बिल्कुल थिक ग्रेवी है, लटपट वाला है, बहुत बढ़िया. चिंगड़ी बिरयानी बहुत ही माइल्ड लाइट. यहाँ पे मटन इतना स्वादिष्ट क्यों होता है? पहला खस्सी का मीट, सेकंड सरसों का तेल, थर्ड लहसुन और अदरक अच्छे से डाला जाता है, फोर्थ जीरा और गोलकी मतलब क्यूमिन एंड ब्लैक पेपर उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद खड़े मसाले साबुत, उसके बाद घी, उसके बाद पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं, लटपट सिर्फ प्याज का जो रस होता है वो उससे पकता है. तो ये लगता है मुझे 5-6 चीज़ें हैं जिससे यहाँ का मीट स्वादिष्ट बनता है. और साल का पत्ता जो खस्सी खाता है उससे भी स्वाद मीट में आता है. और ये आगे हमारा लिंगचा. आइए लिंगचा खाया जाए. बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल गया. बिल्कुल केसर युक्त कुल्फी जिसमें पिस्ता बादाम सभी चीज़ें हैं और एकदम थिक. धन्यवाद. थैंक यू. वाओ, दिस ब्यूटीफुल. या हार्ट ऑफ जमशेदपुर 1935 भरूचा मैंशंस कैफे रीगल. वरुण साहब जी केम छो? मजा मा केम केम छो सर? केम छो मजा मा? वरुण जी हमें अपने बारे में बताइए और इस कैफ़े के बारे में बताइए, कब शुरुआत हुई और किस तरह का यहाँ पे खाना मिलता है? कैफ़े रीगल एक कॉन्सेप्ट था मेरे लिए. मैं यहाँ पे होटल मैनेजमेंट किया हूँ. मुझे पहले दिन से ही मुझे मालूम था कि मुझे हॉस्पिटैलिटी लाइन में जाना था. तो 12वीं के बाद मैं होटल मैनेजमेंट स्कूल ज्वाइन किया, हॉस्पिटैलिटी स्कूल कैलकटा में, IIHM इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट. और उसके बाद मैं गया ताज में, ताज मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए. उसके बाद मैं ताज महल पैलेस बॉम्बे में सिलेक्ट हो गया और मैंने वहाँ पे काम किया 3 साल. और उसके बाद मैं वापस आ गया जमशेदपुर कैफ़े को खोलने के लिए. और कॉन्सेप्ट ये कैफ़े एक्चुअली हमारे परदादा का घर था और हमारे परिवार में खाना पीना बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है. और पारसियों में जाना मतलब बहुत मशहूर चीज़ है, जम्बा चालो जी मतलब लेट्स गो ईट, एक साथ चल के खाते हैं. बस उसी को लेके वो एक पारसी का ट्रेट है. जहाँ पे भी मैं जाता था लोग बोलते थे कि बिल्डिंग में कैसा जगह होगा, कैसा कॉन्सेप्ट होगा, कैसा होगा अंदर से. तो ये चीज़ मुझे सुनने को मिलता था जब लोग नहीं जानते थे मैं कौन था. और तो मुझे समझ में आया कि लोग चाहते हैं कि अंदर जाके देखें कैसा है. तो वो एक्सपीरियंस देने के लिए, वो फीलिंग देने के लिए मैंने ये कैफ़े चालू किया है, ताकि लोग को भी एक्सपीरियंस हो कि पूल स्टूल स्टाइल का जो एम्बियंस कैसा है. वो मैं देना चाहता था, इसीलिए मैंने ये चालू किया है. अच्छा हमें बताइए आपका बर्थ प्लेस जमशेदपुर है? जी जमशेदपुर से ही. और यहाँ तो बहुत लंबी हिस्ट्री रही है पारसीज की, मतलब ये शहर बसाया पारसी कम्युनिटी ने जी. तो उसके बारे में बताइए. जमशेदपुर सिर्फ मैं नहीं बोल सकता हूँ पारसी ने मतलब चालू किया है, ये सारे जो पुराने वासियों हैं जमशेदपुर के
हम लोग सब मिलके किए हैं और हम लोग सब अलग अलग जगह के हैं और वही बात हमारे शहर को ऐसे यूनिक बना देती है कि हम लोग सब अलग अलग जगह से हैं लेकिन सब हम लोग जमशेदपुर वासी महसूस करते हैं. तो इन अ वे इट इज़ लाइक अ मेल्टिंग पॉट ऑफ डिफरेंट कल्चर्स. अगर तो हाँ पारसियों का मतलब यस टाटा स्टील ने यहाँ पे चालू किया और जगह बनाया और बहुत सारे लोग फिर आने लगे अलग अलग जगह से. सो हम लोग भी वैसे ही टाटा साहब के कहने पे हमारे परिवार गुजरात से शिफ्ट होके फिर यहाँ पे आए हैं भरूचा साइड. लेकिन यहाँ पे उससे पहले भी हमारे दूसरे साइड फैमिली का ऑलरेडी यहाँ पे थे फ्रॉम अबाउट 1915. सो हम लोग सही में बोल सकते हैं कि हम लोग जमशेदपुर में हमारे परिवार सब कुछ यहाँ से ही है. हमारे खून में मतलब आयरन एंड स्टील है. तो यस वी आर ओरिजिनल जमशेदपुरियंस फॉर श्योर. और कितना पॉपुलेशन होगा पारसीज का जमशेदपुर में? अभी पारसियों का पॉपुलेशन अबाउट 280 होगा और अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 3000. सो बोला जाता है देयर आर मोर डेड पारसीज देन अलाइव. सो या आई वांटेड टू पीपल टू रिमेंबर एटलीस्ट अस इन वन वे एंड रिमेंबर दैट देयर इज अ पारसी रेस्टोरेंट एंड दैट देयर इज एन अमेजिंग प्लेस व्हिच हैज लुक्ड आफ्टर एंड ensured that cuisine remains. I want people to experience that. वो लोगों को महसूस होना चाहिए कि हाँ हम लोग जमशेदपुर से हैं तो जमशेदपुर का पारसी इन्फ्लुएंस भी है और उसको एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने कैफे डे को चालू किया है. तो यहाँ पर हमारे पास बेल्जियन स्टाइल फ्रेंच फ्राइज है बट विथ अ जमशेदपुर ट्विस्ट टू इट. इट हैज़ जमशेदपुर चाट मसाला. वी हैव अकोरी रेड्स ओवर देयर चिकन कटलेट्स. वी हैव तंदूरी सैंडविच तंदूरी चिकन सैंडविच इज वेल. सो या scrambled egg क्या बोलेंगे इसका? The English term of it would be spiced scrambled eggs. That's the right way to go for it. Okay. देख आप तो वहाँ पे Indian food restaurant में है ना? Indian food restaurant चलाते हैं वहाँ पे. हाँ. में. तो जो French हैं, वह सबसे ज़्यादा उनको क्या पसंद आता है Indian cuisine में? तो मैं थोड़ा लंबा डिस्क्रिप्शन मतलब थोड़ा बहुत खींच रहा हूँ प्लीज़. इंडियन फूड जब मैं फ्रांस में गया था अपना मास्टर्स करने कल्नरी में इंस्टीट्यूट पॉल बक्यूज से. सो वहाँ मुझे ये दिखा कि व्हाट पीपल थिंक ऑफ इंडियन फूड इज़ जस्ट कि पनीर टिक्का चिकन टिक्का मसाला ग्रेवी अब चिकन मद्रास जो कि मैंने मद्रास में 4 साल रह के नहीं खाया एंड थिंग्स लाइक दिस एंड सो ऑन which I don't think is what Indian food is all about. Indian food is about food from Gujarat to food from Kerala to Nagaland to Himachal Pradesh. And मैं कभी नहीं वो खाया. तो जब लोगों को मैंने offer किया ये वाला केले पत्ते में सापाड़ खाना like चिकन दम, तो they were literally astonished कि ऐसा भी कुछ exist करता है. And is there mustard में भी खाना बनता है in Bengal. केले पत्ते में wrap करके fish. So they literally like they really appreciated ये वाला kind of cuisine. And मेरा एंड तब से मैंने अपने मास्टर थीसिस भी इस सब्जेक्ट में लिखा अबाउट द मल्टी कल्चरलिज्म एंड मल्टी प्लूरिज्म इन इंडियन कुज़ीन. और उसके बाद मैंने अपने रेस्टोरेंट धीरे धीरे वहाँ की स्टेट हेल्प के साथ एंड बहुतों ने हेल्प किया स्टार्टेड एंड पीपल लव दैट पीपल लव दैट क्योंकि मैं हर हफ्ते मेन्यू चेंज करते रहता हूँ फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स इन इंडिया. अगेन बुक्स फॉलो योर ब्लॉग्स वेरी वहाँ से मुझे बैठ के भी फ्रांस में बैठ के भी अगर मैं 2 साल नहीं घूमा तो आपके नज़रों से मैंने 2-3 जगह घूम लिया. वहाँ से मुझे पता चला अच्छा ये उत्तराखंड में ये मिल रहा है. फिर उसकी गूगल की उसकी रेसिपी निकाली फिर वहाँ से मैं सीखता हूँ फिर मैं आप जहाँ चाहते हो मैं वहाँ ट्राई करता हूँ खाना. बाद में जब इंडिया वही उसी मोटिव में मैं लिस्ट बनाता हूँ वहाँ जाके खाता हूँ तो आई हैव एन
एंड पीपल लव द फूड ओवर देयर, लोगों को बहुत पसंद आता है अबाउट हाँ लोगों को तीखा नहीं पसंद बट उनको पेपर पसंद है, और जब आप उनको स्पाइसी और हॉटनेस है टू डिफरेंट थिंग, सो हॉटनेस नहीं पसंद बट स्पाइसीनेस उनको बहुत पसंद है, स्पाइसेस की महक उसकी जो वो उनको बहुत पसंद है, तो लोग पसंद कर रहे हैं, मुझे भी सीखना है। आपका फेवरेट क्यूजिन कौन सा है, रीजनल फूड में इंडिया की बात करें? मैं जितना एक्सप्लोर कर रहा हूँ मुझे उतना ही डिफरेंट नया नया फेवरेट्स होते रहता है, हर दो साल में मेरा फेस चलता है कि कुछ है वो, बट ऑल टाइम फेवरेट है मेरा नागा पोर्क करी विद इरोम्बा बॉइल्ड कैबेज एंड राइस। अगर मैं कभी वीकेंड अपने रेस्टोरेंट में बनाता हूँ तो मैं सातों दिन वो खा सकता हूँ विदाउट एनी कंप्लेंट व्हाटसएप, तो अगर ये मेरा कम्फर्ट फूड वो है। एंड चलिए अच्छा है, हमारा जो हिंदुस्तानी खाना है पूरे वर्ल्ड में फेमस होना चाहिए, इतना वेरीड है, और साथ में एक ये मैसेज जाना चाहिए कि हमारा खाना सिर्फ नान और चिकन टिक्का नहीं है। Exactly. है ना? One of the dishes that was served in King Cyrus's court. Okay. All right. This is from there, and it is the Afghani chicken that used to be served in the court. I don't know how, but for some reason we have the recipe for it. And yeah. Afghani chicken, dhan saag, and brown rice. Yeah. And the kachumbar. Chicken kebab. Papad. Kachumba. ये है बिल्कुल होम कुक पारसी फूड। तो इस बेक वेजिटेबल में ऊपर से चीज़ लगा के फिर बेक कर देते हैं जी, मिक्स वेजिटेबल्स को। So the thing with Parsis is that we have influence of all different cultures, and one of the cultures that we have influence of is British culture as well. So we have incorporated bakes in our cuisine as well. तो यहाँ पे जो आपने बताया कि 280 Parsis रहते हैं नशेपुर में, तो वो आते हैं पारसी खाना खाने के लिए? They come, they order. होम डिलीवरी कभी होता है और लोकल्स लोकल्स बोले तो यस यस वी हैव ये अफगानी चिकन है जो हम लोग अफगानी चिकन वहाँ पे जानते हैं दिल्ली में या उस तरफ के आसपास के स्टेट्स में वो होता है काजू मतलब सफ़ेद रंग का काजू की ग्रेवी में बना हुआ क्रीम डला हुआ मक्खन डला हुआ वो अफगानी चिकन बहुत ही रिच ये अलग है ये बहुत लग रहा है कि वो सेंट्रल सेंट्रल एशिया वाला वो फ्लेवर है राइट ऑन फ्लेवर्स मोर ऑन अरोमेटिक स्पाइसेस और करेक्ट इसमें कॉफ़ी भी डालते हैं क्या कॉफ़ी इट्स सिंपली लाइक डिसअपीयर्स इन योर माउथ हाँ डोंट यू लव द बैलेंस इन इट या द स्पाइसेस द फ्लेवर्स अमेजिंग खावानू पीवानू मजा नहीं लाइफ दैट्स द पारसी वे ऑफ डूइंग इट आ गए हम गुजरात का मशहूर आइस चाट दिल खुश आइस चाट खाने yes,
मैंगो फ्लेवर जी। बस 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 क्या बात है। जब मैंने पहली बार इस चाट के बारे में सुना तो मुझे लगा कि ठंडी चाट होती होगी, जो सेवरी चाट होती है वो होगी, लेकिन उससे अलग है ना। हमको जब पहली बार सुने ना, हमको लगा कि मतलब कुछ होगा, ठंडा चाट खिलाते होंगे वो है, आइस का चाट, मतलब आइस का मीठा चाट है, मीठा चाट है ना, चाट भी मीठा होता है, नहीं खट्टा भी बोले, खट्टा नींबू डाल देना, मसाला डाल देना, खट्टा हो जाएगा। अच्छा, वो टेस्ट अलग हो जाएगा, टेस्ट अलग। ये मीठा वाला है जी। इसमें आप डाले हैं रोज़ सिरप, मैंगो सिरप, उसके बाद नारियल है, ड्राई फ्रूट है, हैं, और मलाई भी है इसमें, फिर मिल्क मेड भी है। क्या बात है, ये ठंडा गर्मी में, ये तो गर्मी में खाने में मज़ा आता होगा, सब खाता है। ये तो बहुत मीठा है, हाँ बहुत मीठा है, लेकिन रिफ्रेशिंग है, खाएगा तो अच्छा लगेगा है। चलिए गोविंद जी, धन्यवाद, बहुत बढ़िया आप आइस चाट खिलाए हैं, मन गार्डन गार्डन हो गया। हमारा जमशेदपुर में खाने का सफ़र एंड ही नहीं हो रहा है, अब हम आ चुके हैं हावड़ा बेकरी। तो शॉप स्टार्टेड वॉज स्टार्टेड बाई माई ग्रैंड फादर्स डैड इन 1932। तो आफ्टर दैट वी आर द फोर्थ जनरेशन टू सेट ओवर हियर आफ्टर माई फादर। आप हावड़ा से? या वी आर फ्रॉम हावड़ा। आपका नाम क्या हुआ सर? मोहम्मद मोहद्दिस हराफत मित्र। क्या चीज़ ट्राई की जाए यहाँ पे? सॉरी, क्या क्या टेस्ट करें? आप टेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग का प्लम केक सबसे बेहतर रहता है। कुकीज़ तो बहुत अलग अलग वैरायटीज़ हैं यहाँ पे, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जी। जीरा अजवाइन जी। हेलो ब्रदर। हेलो ब्रदर। ये सब हम लोग की पुरानी कुकीज़ है, ये 30-35 साल से चलते आ रहे अभी। अरे पाव बन क्या है? पाव बन इस पाव भाजी वाले बन। अच्छा पाव भाजी वाले, पाव बन, स्वीट बन, लंच रोल्स जो 1930s में यहाँ पे आपके बेकरी में मिलता था, ऐसा एक एक आइटम जो अभी तक आपके मेन्यू में है? कुटकुटी। कुटकुटी? अच्छा, वो उस समय से चला रहा अभी तक है मेन्यू? आपको जो चाय दुकान मतलब जो खाते हो जी, उसी टाइप का है, बट वी मेक इट इन अ बेटर क्वालिटी, मतलब उससे थोड़ा क्वालिटी अपग्रेड हुआ है। इसको बोलते हैं कुटकुटी जी, नमकीन बिस्किट रहता है। बिल्कुल खस्ता। और ये फीका है क्या? फीका हल्का हल्का नमकीन रहता है, जो चाय के साथ है। हाँ मिल्क कितना अच्छा है, लेकिन स्माइली बना हुआ है। हेलो ब्रदर। ये हेलो ब्रदर कुकी है, ये जैम है, जैम कोकोनट एंड जैम। ये प्लम केक है। दिस प्लम केक रेसिपी हैज बीन पास्ड ऑन फॉर द फोर्थ जनरेशन। ये मेरे दादाजी के पापा जो ओरिजिनल रेसिपी रखते थे, वही रेसिपी सभी भी बनती है, जो ये इसके पुराने कस्टमर्स हैं अभी भी आके मतलब खोजते हैं कि प्लम केक आपका जैसा टेस्ट है बाहर हम लोग को मिलता नहीं है। बहुत ही बढ़िया। ये क्या लगा हुआ है? दैट इज पेठा, काजू पेठा, मुरब्बा। अच्छा पेठा भी लगाते हैं। दिस इज डिस्टिंक्टली हावड़ा केक, हावड़ा बेकरी केक, विच इज लेजेंडरी इन जमशेदपुर। पेठा और चेरी के साथ? यस। एनीवन हैज ओ आई नो वेयर दिस इज फ्रॉम, दिस इज फ्रॉम हावड़ा। यहाँ जमशेदपुर में बेल्ट लगाने से पहले ही हमारा फूड स्टॉप आ जाता है। हमारे पापा किए थे, मोहम्मद इब्राहिम नाम का, वो 1960 में किए,
आप लोग जमशेदपुर आए कब? 1902 से यहाँ पे है। उसमें तो एक टाउनशिप बनना शुरू भी नहीं हुआ था 1902 में। वो हमारे ग्रैंडफादर जो थे वो काली माटी यहाँ था ना, वो रेलवे में थे। हाँ। रेलवे में जॉब कुछ दिन किए थे, फिर उसके बाद वो बैक हो गए थे, फिर किसको जब आई तब फिर रेगुलर वी आर रेगुलर फ्रॉम 1997। तो आप जमशेदपुर ही हुए हैं, इलाहाबादी नहीं हुए? तो ये कबाब को पहले सिगड़ी पे सेके हैं, अब तवा पे इसको फ्राई किया जाएगा। तवा फ्राइड चिकन कबाब, साथ में शिमला मिर्च और गाजर और प्याज। आइए सर, आप भी खाइए। आप खाते रहते हैं कि नहीं? वेरी ऑफन। हाँ, देख देख के पेट भर जाता है। फ्रॉम 4 PM टू 8 PM आई टू। सबसे ज़्यादा लोग क्या पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा? एक्चुअली इन दिस एरिया तस्किडी में दे जस्ट लुक फॉर चिकन बेस्ट। चिकन बेस्ट में मेरा यही जाता है। यू आर गेटिंग अ चिकन रोल इन टुडेज लैंग्वेज इन से दे आर गेटिंग अ चिकन रोल इन 20 रुपीस। दाम में कम, स्वाद में बेस्ट, तो बोलने में भी अच्छा लगता है। चिकन रोल खा के, चिकन रोल खा के। There's a crispiness and there's a sweetness and there's a softness to it which can be only felt and appreciated if you come here and have it. हम लोग आ गए छप्पन भोग। छप्पन भोग और पूरे इस कंपाउंड में घी की तेज़ खुशबू आ रही है। हैं, क्या खाएंगे यहाँ पे हम लोग? हम लोग यहाँ पे इनके अलग अलग तरीके की मिठाई जो है वो आके अभी टेस्ट करेंगे। एंड हर एक चीज़ में बहुत यूनिक फ्लेवर है, यूनिक ट्विस्ट है और जमशेदपुर की खासियत है ये जगह। तो अगर मिठाई की डब्बी लेनी है तो छप्पन भोग से लेनी है। चलिए चलते हैं। बेसन गाजक गजक, बेसन गजक कभी नहीं खाया। हाँ, बिल्कुल पतीसे की तरह है। तो पतीसा ही तो है। अरे भाई साहब, मिठाई प्लेटर। यस सर। क्या क्या आए? लड्डू, बर्फी, काजू बॉल, मोतीचूर लड्डू। यस। और ये देसी घी वाले लड्डू है, ये क्या कहते हैं नॉर्मल वाले लड्डू है, और ये वाली यहाँ पे सबसे फेमस काजू बर्फी है। मोस्ट फेमस काजू बर्फी डेफिनेटली देसी। इफ यू कम हियर यू हैव टू ट्राई काजू बॉल, काजू बास्केट। या सो देयर आर डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स इन इट। तो जो बास्केट बनाया हुआ है वो काजू का है और उसके अंदर में ड्राई फ्रूट डाला हुआ है, इसलिए इसका नाम दे दिया काजू बास्केट। यस सर। मतलब मिठाइयों के जितने नाम है ना पूरे हिंदुस्तान में, हर एक दुकान पे अलग अलग। चलिए सर, मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं सब, इसको एक डिब्बे में पैक करवा लेते हैं और रास्ते में खाते में निकल लें। ये आपका एक आपका मिनी फूड स्ट्रीट है ये खाओ गली। भोला प्रसाद इज देयर हु इज वेरी फेमस फॉर हिज फुचका। फुचका एंड देन यू हैव पाव भाजी जो है, एंड यू हैव द जूस सेंटर वेयर यू हैव फ्रेश जूस दैट्स मेड एंड इफ यू आर बिकमिंग हेल्दी दैट्स द राइट प्लेस टू गो। आपका तो बहुत बढ़िया लग रहा है, सुंदर एकदम बढ़िया सजाए हुए हैं। एक लिट्टी फटाफट खिला दिया, चलिए अब आए हैं तो ठीक है एक लिट्टी खा लिया जाए जब तक चिली बन रहा है। धनिया का चटनी, आलू का चोखा, सब
और घी में डूबा हुआ एकदम तर बतर। लाइए, जाने का समय हो रहा है, जाते जाते भी हमें अभी धनबाद के लिए निकलना है। हमारा जायके का सफ़र समाप्त नहीं हुआ है, जाते जाते भी हम जमशेदपुर के जायकों से आपको रूबरू करा रहे हैं। आप तो लिट्टी एकदम कितना बढ़िया सजा के रखे हैं टोकरी में, एकदम ऐसे सजा कर रोज रखते हैं। चलिए, एकदम पूरा घी टपा टप टपक रहा है। आइए, बोर्ड में भी लिखा हुआ है, देखिए पढ़ के, बोर्ड में भी लिखा हुआ है। एक बार देखें हम यहाँ पे लोग घी जो लिट्टी जो है एकदम घी में डूबा पसंद करता है, तो लिट्टी को तोड़ देता है ताकि अंदर तक घी चला जाए, है ना, ऐसे करके देते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, वैसे तोड़ के मैंने डालते हैं ना तो घी अंदर चला जाए। हाँ, और थोड़ा घी चटनी में भी आ गया, एकदम तैयार रहा है। ये रहा चिली चिकन और चिकन फ्राइड राइस, डेडली कॉम्बिनेशन हो गया। इधर लिट्टी, परफेक्ट फॉर विंटर, ये हो गया डेडली कॉम्बिनेशन। इधर लिट्टी, उसके बाद चिकन चिली और साथ में चिकन फ्राइड राइस। क्या बात है, क्या बात है, लिट्टी लिट्टी बहुत स्वाद है। लिट्टी में ऊपर भी घी तैर रहा है। वाओ, लुक एट दैट, इट्स ब्यूटीफुल, इट लुक्स गॉर्जियस। गणेश जी और विवेक जी, बहुत बढ़िया लिट्टी बनाए, बहुत बढ़िया। ओके, इट्स गॉट अ स्पेशल टैंग टू इट दैट यू डोंट गेट एनीवेयर एल्स। तो ये इसमें नूडल्स भी है। हाँ, फ्राइड राइस भी है, नूडल्स भी है, फ्राइड राइस भी है, चिकन भी है, एग भी है। इट्स इनक्रेडिबल, एंड हैव यू सीन द ग्रेवी ऑफ द चिली चिकन, इट्स गॉट दैट थिक, इट्स नॉट दैट थिक, द अच्छे से मिला के खाने में अच्छा कॉम्बिनेशन बना। तो आप वहीं भी आ गए, वहाँ पे यहाँ तो फूड पार्टी ख़त्म ही नहीं हो रही हो। यहाँ का पाव भाजी इज एग्जैक्टली लाइक द बॉम्बे स्टाइल पाव भाजी, इट इज़ ब्रिलियंट, इट विल टेक यू राइट ऑल द वे टू चौपाटी, एग्जैक्टली द वे इट इज सपोज्ड टू बी, एंड द टैंग, द बटर, द लिटिल बिट दैट्स देयर ऑन इट, द अनियन, द धनिया, एंड ऑफ कोर्स द सब्जी इटसेल्फ इज जस्ट द वे इट्स सपोज्ड टू बी। प्लीज डू इट अगेन। परफेक्ट, अच्छा खटास है इसमें। चलिए फटाफट को पुचका खिलाइए, पुचका आइए। अभी पुचका खिला दीजिए, वो पुचका डाल दीजिए भाजी के साथ, मन ही नहीं कर रहा है। एक दीजिए, पकड़िए ना। चलिए, जमशेदपुर में जाने का मन नहीं कर रहा हमारा, है जाना है हमको धनबाद, लेकिन जाते जाते अभी पाव भाजी भी खा लिए, लिट्टी भी खा लिए, चिली और चाउमीन भी खा लिए, और आपका एक फुचका खा लेते हैं, बस भोला जी का फुचका भी खा लिया जाए, बाय बाय, वो काफ़ी है। आप खाएंगे सर? नहीं नहीं नहीं, कभी बाहर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए, थैंक यू वरुण, रियल प्लेजर। बहुत अच्छा फूड टूर रहा हमारा आज का, आप इतनी इतनी अच्छी अच्छी जगहों पर हमें ले गए, और बिल्कुल जमशेदपुर जाने का दिल नहीं कर रहा है। जमशेदपुर का दिल बहुत बड़ा है, वो तो है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, मैं दोबारा ज़रूर आऊँगा और जमशेदपुर आता रहूँगा, और जमशेदपुर से एक अच्छा रिश्ता बन गया, यहाँ के लोगों से, यहाँ के खान पान से, और इस शहर से। मिलते हैं आप धनबाद।